भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत ने हाल फिलहाल में ही फ्रांस को पीछे छोड़ के छठे नंबर का किताब अपने नाम कर लिया है। तो बात करेंगे दुनिया के टॉप ओवल शेयर बाजारों के लिस्ट में भारत के स्टॉक मार्केट का दमखम क्या रहता है। अपना भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के हिसाब से 260.8 लाख करोड़ रुपए का है, यानी डॉलर के टर्म में देखा जाए तो ये 3.54 ट्रिलियन डॉलर होता है। और इसके कंपैरिजन में फ्रांस के शेयर बाजार का मार्केट कैप 3.39 ट्रिलियन डॉलर का ही है। आप लोगों को पता होगा 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब करीब करीब 23.2 लाख करोड़ रुपया होता है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से शेयर मार्केट की तेजी चल रही है उसके हिसाब से दिवाली तक बीएसई सेंसेक्स 61,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा, जो फिलहाल 59,000 के आसपास है। इस तेजी के हिसाब से भारत का मार्केट कैप 3.54 के ऊपर भी चढ़ सकता है और इस रेस में भारत यूके को भी पछाड़ सकता है। एक्चुअल में ऐसा अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, सोचने वाली बात, क्योंकि दिसंबर में ही LIC का IPO आने वाला है और ये IPO देश का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। LIC के IPO से भारत का मार्केट कैप 12 से 15 लाख करोड़ रुपए बढ़ सकता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सिस्टम की कंपनी पेटीएम का भी IPO दिवाली में ही आने वाला है। साथ में ही 10 से 12 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं इसी साल के अंत तक। इन सारी जानकारियों के हिसाब से भारत यूके के मार्केट को पछाड़ सकता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, पिछले 2 महीनों में भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 23 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान जोमेटो का रहा है। इसके लिस्टिंग से 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप बढ़ा था। पूरी दुनिया के मार्केट कैप में भारतीय शेयर बाजार का योगदान 2.89% का है। ऑल ओवर वर्ल्ड के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 119.06 ट्रिलियन डॉलर है। इसमें से 44% का हिस्सा सिर्फ अमेरिकी बाजार के पास में है और बाकी के 56% में पूरी दुनिया का बाजार आता है। अब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में कौन सा बाजार कितना बड़ा है। पहले पायदान पे आता है अमेरिका। दुनिया के टॉप ब्लॉकबस्टर बाजारों में अमेरिका नंबर 1 पर है, जबकि चीन का मार्केट कैप 12.41 ट्रिलियन डॉलर का है और इसके साथ ही ये दूसरे पायदान पे है। लेकिन यहाँ पे पहले से दूसरे के बीच में मार्केट कैप का गैप कितना बड़ा है, ये सोचने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पायदान पे आने वाले देश का। इसका नाम है जापान। जापान का मार्केट कैप 7.37 ट्रिलियन डॉलर का है। वहीं चौथे नंबर पे हांगकांग का बाजार है, जिसका मार्केट कैप 6.41 ट्रिलियन डॉलर का है। 3.66 ट्रिलियन डॉलर के साथ यूके का बाजार आता है, जिसे आने वाले टाइम में हम पछाड़ सकते हैं, वो है यूके का बाजार। इन टॉप 5 कंट्रीज के बावजूद भी भारत एक चीज में सबसे आगे है। सेंसेक्स ने इन सारे देशों को पछाड़ते हुए 12.46% का रिटर्न दिया है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बाजार है। इस मामले में ये सारे देश भारत के पीछे हैं। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ की है, लेकिन इस 130 करोड़ में सिर्फ 3% ही लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। लास्ट 1 ईयर से काफी लोगों का इंटरेस्ट इस चीज में बढ़ा है। ये इस व्यू से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने वाला है। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, अमेरिका में 50% अमेरिका की पॉपुलेशन के हिसाब से 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं, अमेरिका का ग्रोथ इतना बड़ा है और अमेरिका इतना हाईटेक कंट्री है। अगर हमारी पॉपुलेशन का 30% भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो हम अमेरिका को भी पछाड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। थैंक्स फ्रेंड, एंड इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। बी हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट एंड स्प्रेड दिस न्यूज एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स वन मोर। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।